मॉर्निंग एवरीवन, आज हम इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास आज स्नेक प्लांट है, आज ही खरीदा है, और आज मैं बताऊंगा कि इंडोर प्लांट्स में क्यों रखने चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जब गर्मियों का मौसम होता है, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया क्या होता है, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इधर बेसिकली क्या होता है कि सुबह के वक्त बहुत गर्मी होती है, पॉल्यूशन बहुत होता है। तो मैं जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेज है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि ये हीट को ट्रैप करके रखती है। अगर ये हीट को ट्रैप करके रखेगी अपने अंदर, लेकिन ये जरूरी भी है हमारी धरती के लिए। क्यों? अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी, सुबह तो बहुत गर्मी होगी और रात को बहुत ठंड होगी। ताकि वो इतनी ठंड ना हो, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमें हेल्प करती है कि धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहे। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ग्रीन हाउस गैसेस अबंडेंस में हो जाए, जब ये हद से एक्स्ट्रा हो जाए, तब ये ग्रीन हाउस गैसेस हमें हमारी अच्छी नहीं है। तो मेनली इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न टीम्स में क्या होता है कि सुबह को तो चलो गर्मी है, पॉल्यूशन तो होना ही है, फिर रात को इस ग्रीन हाउस गैसेस का दर बढ़ जाता है, फिर रात को भी हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, वो ठंडक फील नहीं होती। स्पेशली होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के समर सीजन्स में ये ज्यादा पाया जाता है। तो फिर अब ये चीज रात को हो रही है, बहुत चिपचिपाहट सी हो रही है, इंसान बहुत उसको संभाल नहीं पाता अपने अंदर और चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये चीज होती है हमारे घर के अंदर, रात को बाहर तो चलो फिर भी ठंडक है, अंदर तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन हमारे अपने घर के इन्वायरमेंट में दे रहा है, पर वहां कोई ऐसा जीव नहीं है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करे। इंसान तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, पर ऑक्सीजन कहाँ से देगा? तो फिर इस चीज को देखते हुए क्या होता है कि घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और पता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करेगी, तो घर के अंदर हमारे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ेगी, हीट ट्रैप करेगी, तो घर भी गर्म हो जाएगा, बाहर हल्की ठंडक रहेगी। फिर हमें दरवाजे वगैरह खोलने पड़ते हैं, खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, ताकि ये सारी हवा बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर आए, ये करते हैं। तो फिर क्या हो अगर हम घर के कुछ ऐसे प्लांट्स रख लें जो हमें अबंडेंस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करें? तो फिर आज मैं ये स्नेक प्लांट लेके आया था, ये हमने अपने पास की नर्सरी से ली है। तो ये स्नेक प्लांट एक एलोवेरा प्लांट, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें अबंडेंस में, हाँ, और फन फैक्ट ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सी, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया और एलोवेरा हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर हम इन प्लांट्स को घर के अंदर रखें, तो हमारी वो जो अनबैलेंस जो हमने क्रिएट किया था अपने घर के अंदर, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे कि हमारे घर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी, तो अब क्या आएगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और ये बैलेंस हो जाएगा। और हमें ऑक्सीजन की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं कि हीट अब्सॉर्ब करेगी, तो फिर ये अच्छा होता है। देखिए मैं इतनी वो ह्यूमिडिटी थी, चिड़चिड़ापन, वो इतने चिपचिपाहट इतनी फील नहीं होगी। तो फिर आज हम लाए हैं अपने स्नेक प्लांट को, ये अबंडेंस में, वैसे इसका नाम स्नेक प्लांट है, इसका टेक्सचर मतलब कि हल्का सा स्नेक जैसा है, तो शायद इसी वजह से इसका स्नेक प्लांट रखा होगा नाम। हाँ, पर ये मैं बहुत देर से चाहता था कि हमारे घर पे आए, और बस आज ये आ गया है। तो अगले साल इसका आज है 13th, वो है अगस्त है आज, और आज से हमारा आया था अगले 2020 में, तो बस 2021 में इसका बर्थडे करेंगे इसी दिन, बस देखते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज, बाय।